हेलो फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी आईटी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए फिटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी बुक से निकाले गए क्वेश्चन है और परीक्षा में आपको ये उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईटी एग्जामिनेशन। पहले कहा कि आने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट मैंने यहाँ पे निकाल के आपके समक्ष उसको विश्लेषित करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है बेंच वाइज से संबंधित। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। बेंच वाइज की ऊंचाई कहाँ तक रखी जाती है? पहले कहा कि बेंच वाइज जो है उस बेंच वाइज को वर्किंग टेबल के ऊपर जब सेट करते हैं, जब उसकी फिटिंग करते हैं, तो उसका जो ऊंचाई का जो लेवल होता है वो कारागिर के कार्य करने के हिसाब से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो उसका जो आंसर है वो है कारागिर की कोहनी की ऊंचाई दर। कहने का अर्थ कि कारागिर की कोहनी की ऊंचाई दर बेंच वाइज को वर्किंग बेंच के ऊपर फिट करना होता है। तो मान के चलते हैं कि ये वर्किंग बेंच है, एग्जाम्पल तौर पर वर्किंग बेंच है मेरे सामने में रखा हुआ, और उस वर्किंग बेंच के ऊपर ये हैंड को मैं वाइस बना रहा हूँ, ये वाइस है और ये जो लेवल है देखिए इस प्रकार से उसके लेवल को सेट करते हैं। मतलब इतनी ऊंचाई, कहने का मतलब इतनी ऊंचाई बेंच वाइस की कारागिर के कोहनी के हिसाब से या कोहनी तक होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हैमर से संबंधित है। क्रॉसबीम हैमर के पिन हैंडल के किस दिशा में होते हैं? हैमर तीन टाइप्स के होते हैं पिन के हिसाब से। एक होता है बॉल पिन हैमर, क्रॉसबीम हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो क्रॉसबीम हैमर का जो पिन होता है वो पिन हैंडल के किस दिशा में होता है? हैंडल के नीचे की तरफ होता है या हैंडल के ऑफ साइड की तरफ होता है, तो उसकी दिशा हमको बतानी है। तो क्रॉसबीम हैमर का पिन हैंडल के किस दिशा में होता है? उसका सही आंसर जो है वो है क्रॉस दिशा में। मतलब उसकी जो दिशा होती है वो हैंडल की क्रॉस दिशा में होती है, या फिर क्रॉस दिशा में हमें समझ में नहीं आया उसको अन्य शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैंडल के समकोण पर, मतलब जो हैंडल होता है उस हैंडल के इस प्रकार से समकोण पर उसके पिन को सेट करते हैं, उस दिशा में लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिनिश किए पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर, मतलब ऐसे जॉब जिनको आपने कंप्लीटली तैयार कर लिया गया है और उसकी फिटिंग करना है, असेंबलिंग करना है, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर फिट करने के लिए हल्की चोट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी चोट लगाने के लिए फिनिश किए हुए पार्ट्स के पार्ट्स को फिट करने के ऊपर उसके ऊपर चोट लगानी पड़ती है। तो हल्की चोट लगाने के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं? एक बार फिर से, फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर, फिनिश किए हुए पार्ट्स है उसके ऊपर चोट लगानी है या उसको फिट करना है, तो ऐसा कौन सा हैमर है जिसका उपयोग करते हैं? तो वो हैमर कहलाता है सॉफ्ट हैमर। अब सॉफ्ट हैमर मतलब, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। तो नरम हैमर क्या होता है? तो ऐसे हैमर जिनको सॉफ्ट धातु से बनाया जाता है, सॉफ्ट धातु मतलब नरम पदार्थ से या नरम मटेरियल से बनाया जाता है, ऐसे हैमर को सॉफ्ट हैमर कहते हैं। तो नरम पदार्थ और नरम मटेरियल कौन से होंगे? जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, ये हो गए सॉफ्ट धातु के बनाए जाने वाले हैमरों के मटेरियल। फिर उसके बाद जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी हो गया, उसके बाद फाइबर हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, तो ये जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, इन पदार्थ से भी सॉफ्ट हैमर को बनाया जाता है, नायलॉन वगैरह का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर प्राय किस धातु के बने होते हैं? फिटिंग शॉप के अंदर उपयोग में लाए जाने वाले जो हैमर होते हैं उन हैमर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फिटिंग शॉप में जो हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं उन हैमर को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो धातु होती है हाई कार्बन स्टील। ठीक, कहने का कि फिटिंग शॉप के अंदर जिस हैमर का उपयोग करते हैं वो हैमर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लायर से संबंधित है। प्लास प्लायर किस धातु का बनाया जाता है? जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, साइड कटिंग प्लायर होता है, लॉन्ग नोज प्लायर होता है, तो इनको बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का उपयोग करते हैं या किया जाता है? तो प्लायर्स को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो धातु है कास्ट स्टील। ठीक है, वो धातु कास्ट स्टील है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टील को गर्म व ठंडा करके
इसमें इच्छित गुण प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल है, हीट ट्रीटमेंट से संबंधित प्रश्न है। फिर से एक बार, स्टील को गर्म व ठंडा करके इसमें इच्छित गुण प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। स्टील को गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना है, तो उसके अंदर जो गुण आ जाता है तो उस गुण को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वो कहलाती है हार्डनिंग। ठीक है, किसी धातु को गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद जब वो ठंडी होती है तो ठंडी होने के पश्चात उसमें एक प्रॉपर्टीज आ जाती है, गुण आ जाता है, वो गुण आता है हार्डनिंग का। इसका करेक्ट आंसर है हार्डनिंग। आगे बढ़ते हैं, फिर से हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा का लेवल होता है, अधिक होता है या कम होता है। फिर से एक बार, केस हार्डनिंग ऐसे टूल्स के ऊपर की जाती है जिनके कुछ सिरों को थोड़ा सा अंदर से सख्त करना है, कठोर करना है, जैसे कि डिवाइडर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। तो ये जो टूल्स होते हैं ये टूल स्टील के बने होते हैं, पाइप स्टील के बने होते हैं, तो इनके कुछ सिरे थोड़ा सा जो वर्किंग पॉइंट्स होते हैं, जो वर्किंग एरिया होता है वो कैसा होता है, घिसाई न हो इसलिए उनके सिरों को कुछ गहराई तक केस हार्डनिंग करनी पड़ती है। तो केस हार्डनिंग किस प्रकार के, मतलब क्या होते हैं, देखिए एक बार फिर से। केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा का लेवल, कार्बन की मात्रा लो होती है। जिन धातु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है ऐसे धातु के ऊपर केस हार्डनिंग की प्रोसेस की जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। एनीलिंग से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर है, धातु को नरम हालत में लाने के लिए एनीलिंग प्रोसेस की जाती है। धातु को हार्डनिंग से धातु कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है, और धातु जब सख्त होती है, कठोर हो जाती है, तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता का गुण आ जाता है। तो भंगुरता का एक ऐसा गुण होता है जिसके ऊपर धातु में भंगुरता का गुण आने की वजह से अगर यदि उसको चोट लग जाती है या उसके ऊपर चोट लगाई जाती है तो धातु टुकड़ों के रूप में टूट कर बिखर जाती है, वो कहलाता है ब्रिटलनेस का गुण, कठोर धातु होने की वजह से। परंतु अगर उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस का गुण है, यदि उसमें नरमनेस का गुण है, नरम धातु है, तो वो जल्दी टूटेगी नहीं, तो वही कहलाता है एनीलिंग। तो एनीलिंग से क्या अभिप्राय है, उसका जो सही आंसर है वो है धातु को नरम हालत में लाने के लिए एनीलिंग की क्रिया की जाती है। धातु को, कठोर धातु को थोड़ा नरम हालत में लाने के लिए, नरम इसमें लाने के लिए, नरम कंडीशन में लाने के लिए इसके ऊपर एनीलिंग की प्रोसेस की जाती है। इससे एक बार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टूल मेकर वाइज के जॉब किस प्रकार के होते हैं। टूल मेकर वाइज के कई प्रकार होते हैं, जैसे बेंच वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, है ना। तो उसी में से एक वाइज है टूल मेकर वाइज। तो इसके जो जॉब होते हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं, तो उसके जो जॉब होते हैं प्लेन बने होते हैं, प्लेन रहते हैं, और इसे इस प्रकार के शेप में बने होते हैं, बीच में से एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। तो वो टूल मेकर वाइज, तो उसके जॉब होते हैं वो प्लेन रखे होते हैं, प्लेन बनाए जाते हैं। उसके बाद रीमर से रिलेटेड प्रश्न है। रीमर प्रायः किस धातु का बना होता है। अब रीमर का उपयोग हमें मालूम है, पहले से किए गए सुराख के आंतरिक सतह को फिनिशिंग करने के लिए तथा उसके अंदर की सतह को स्मूथ एवं चिकना बनाने के लिए हम रीमर का उपयोग करते हैं। तो रीमर जैसा कि कटिंग टूल है, धातु को काटते हैं उसके ऊपर फिनिशिंग लाता है, तो इसीलिए इसको कटिंग टूल होने की वजह से जिस धातु से बनाया जाता है वो धातु है हाई कार्बन स्टील। कटिंग टूल होने की वजह से रीमर को बनाने के लिए जिस धातु को उपयोग करते हैं वो धातु कहलाती है हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, फिर से फाइल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किस फाइल का प्रयोग टूल एंड डाई मेकर्स तथा वॉच मेकर्स द्वारा किया जाता है। ऐसी कौन सी फाइल है, फाइल्स पढ़े हमने, फाइल्स का यूनिट पढ़ा है, तो उसमें कई प्रकार की फाइलें बताई गई है, कुछ विशेष प्रकार की फाइलें होती है। तो ऐसी कौन सी फाइलें जिसका उपयोग टूल एंड डाई मेकर्स करते हैं तथा जो घड़ी के कल पुर्जों को या घड़ी का जो मेंटेनेंस करते हैं, घड़ी की जो मरम्मत करते हैं, घड़ी की जो रिपेयरिंग करते हैं, वो वॉचमेकर लोग उसका उपयोग करते हैं, ऐसी कौन सी फाइल। तो वो जो फाइल है वो होती है आपकी नीडिल फाइल, एक स्पेशल टाइप्स की फाइल होती है, विशेष प्रकार की फाइल बनाई गई है जो नीडिल की तरह दिखाई देती है, जो सुई की तरह बनी होती है, और इसका उपयोग जो है मटेरियल को बहुत कम मात्रा में काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से अंतिम प्रश्न है, रीमर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। रीमर प्रायः किस दिशा में घुमाया जाता है, जैसे कि रीमर से रिलेटेड कि रीमर जब हम किसी होल में रिमिंग करते हैं तो रिमिंग करते समय रीमर को
टैप रेंज में या टैप हैंडल में पकड़कर उसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम चूड़ी बनाते समय टैप को घुमाते हैं तो एक फुल चक्कर सीधा और एक आधा चक्कर उल्टा घुमाते हैं, इस पोजीशन में टैपिंग करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब रिमोट को चलाते हैं होल के अंदर तो उसको किस दिशा में घुमाया जाता है, उल्टी दिशा में घुमाया जाता है या सीधी दिशा में घुमाया जाता है। तो रिमिंग करते समय रिमोट को हमेशा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, यानी कब हुआ है रिमर ब्रैक की दिशा में घुमाया जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब रिमर को हमेशा रिमिंग करते समय सीधी दिशा में ही घुमाना पड़ता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घुमाया जाता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो जो रिमर किया हुआ जो छिद्र है जो होल है वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ फिल्टर ट्रिक फेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद और मैं आपके लिए अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ इससे आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए थैंक यू।